सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। परफेक्ट कपल और मिसमैच्ड कपल का पैमाना क्या है? क्या सिर्फ शारीरिक सुंदरता और शारीरिक बनावट से कोई जोड़ी आदर्श जोड़ी बन सकती है, या इसके लिए जोड़ियों में कुछ विशेष गुण भी होने चाहिए? वास्तव में एक परफेक्ट कपल के लिए उनके सोच विचार के साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर किसी भी जोड़ी को परफेक्ट कपल बनाती है। यहाँ हम जानेंगे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिसे पता चलता है कि कोई भी जोड़ी परफेक्ट कपल है या नहीं। परफेक्ट कपल और मिसमैच्ड कपल क्या है? सामान्य तौर पर सोशल लाइफ में किसी जोड़ी में दोनों पार्टनर की खूबसूरती और शारीरिक बनावट के आधार पर उसे परफेक्ट कपल मान लिया जाता है, जबकि दूसरों को बेमेल जोड़ियां कहा जाता है। लेकिन वास्तव में मिसमैच जोड़ी का कोई भी निश्चित पैमाना नहीं होता। किसी भी जोड़ी में जब दोनों पार्टनर के सोच विचार समान होते हैं, इमोशनल लगाव हो, आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, एक दूसरे की केयर करते हो, यह कुछ ऐसे आंतरिक गुण है जो किसी भी जोड़ी को परफेक्ट कपल बनाते हैं, ना कि उनकी सुंदरता और शारीरिक बनावट। आदर्श जोड़ियों में इन आधारों पर ही दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि मेड फॉर ईच अदर होते हैं। और जब किसी भी जोड़ी के दोनों पार्टनर में इन गुणों का अभाव होता है तो उसे ही मिसमैच्ड कपल कहते हैं। सुंदरता का पैमाना। असल में वास्तविक जीवन में सुंदरता का कोई पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो उस समय आपको अपने पार्टनर के सिर्फ अच्छे गुण ही नजर आते हैं। कुछ समय साथ गुजारने के बाद ही आपकी सोच में परिवर्तन होने लगता है। इसीलिए कुछ अध्ययन की रिपोर्ट यह भी बताती है कि विभिन्न मैट्रिमोनियल साइट में अपने पार्टनर की तलाश करने वाले लोगों की राय थी कि उन्होंने अपने ऐसे पार्टनर का चुनाव किया जिन्हें वे शुरुआत में पसंद नहीं करते थे, यानी कि सिर्फ आकर्षक चेहरे और बनावट से परफेक्ट कपल और मिसमैच कपल की संभावनाएं पूरी नहीं होती है, यह देखने वाले की नजरों के अनुसार तय होती है। पार्टनर का सही चुनाव। वैसे तो ज्यादातर जोड़ियां अपने पार्टनर का चुनाव सोच विचार के आधार पर, आर्थिक आधार पर, खूबसूरती और शारीरिक बनावट के आधार पर, सोशल स्टेटस के आधार पर ही करते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल और लॉजिकल कारण भी होते हैं। लॉजिकल कारण में व्यक्ति अपने पेरेंट्स के गुणों से प्रभावित होता है, यानी कि लड़कियां अपने पार्टनर में अपने पिता के गुणों को खोजती है तो लड़के अपनी पार्टनर में अपनी माता के गुणों का, यानी कि ज्यादातर पार्टनर अपने पार्टनरों में ऐसा गुण चाहते हैं जो उनके अंदर नहीं है। जबकि बायोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति अपनी प्रकृति, यानी कि उसके अंदर के हार्मोन्स और इमोशंस के अनुसार अपने पार्टनर के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन फिर भी इसका कोई निश्चित तरीका नहीं हो सकता। सोच में परिवर्तन। समय के साथ जोड़ियों में भी उनके सोच में परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ आकर्षण के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। एक साइकोलॉजिकल सर्वे के अध्ययन बताते हैं कि सिर्फ आकर्षक व्यक्तित्व किसी भी रिश्ते के परफेक्ट होने का पैमाना नहीं है। दोनों पार्टनर के आकर्षक व्यक्तित्व के बावजूद उनके रिश्ते के टिकाऊ होने की कोई गारंटी नहीं होती। ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों की जोड़ियां टूटने के पीछे शायद यही कारण है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ ही लोगों की पसंद और सोच में परिवर्तन होने लगता है। जहां पहले आपका पार्टनर का आकर्षक या खूबसूरत चेहरा उन्हें प्रभावित करता था, वहीं बाद में वे पार्टनर के गुणों और स्वभाव के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी कि समय के साथ लोगों का अपने पार्टनर के प्रति विचार में बड़ा बदलाव हो जाता है। क्या कहते हैं सर्वे? परफेक्ट कपल और मिसमैच कपल के संबंध में किए गए एक ऑनलाइन सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 40% से अधिक महिलाओं और 30% से अधिक पुरुषों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप की शुरुआत ऐसे पार्टनर के साथ की जिनसे शुरुआत में वे प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने पार्टनर को जानने का मौका मिलने के बाद उनके बीच में रिलेशन आगे बढ़ गए। यानी कि परफेक्ट कपल के लिए किसी का नजरिया और पसंद समय के साथ बदलता रहता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।